आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोनू कुमार नगर अध्यक्ष अनूप शहर के आवास पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली एमसीडी में प्रचंड और पूर्ण बहुमत की जीत का जश्न एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया और आतिशबाजी भी की। सोनू कुमार नगर अध्यक्ष ने सबका धन्यवाद किया और अनूप शहर में भी आम आदमी पार्टी की जीत हो ऐसी कामना की। सुमित शर्मा जिला अध्यक्ष यूथ विंग ने कहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत ने यह तय कर दिया है कि मोदी जी के खिलाफ केजरीवाल ही विकल्प है, भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ही विकल्प है। जनता ने अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, रोजगार यानी काम के लिए वोट किया। अब जनता जाति धर्म पर वोट नहीं करती है, यही परिवर्तन है जो अब पूरे देश में होगा। शामिल हुए कार्यकर्ता सचिन गौल, विधानसभा उपाध्यक्ष अनूप शहर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने आम आदमी पार्टी के जो कि बीसी एमसीडी सदस्य हैं, जो जीत पाई है उसका हम आपसे ये जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पर उसका क्या असर पड़ेगा? जी, इस चुनाव का सीधे सीधे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में असर पड़ेगा। अब जनता जान चुकी है कि मोदी का जो विकल्प है वो केवल अरविंद केजरीवाल है, भाजपा का जो विकल्प के साथ जो जीत दर्ज की है वो जनता देख रही है और परिवर्तन निश्चित है। और ये जीत किस चीज़ की जीत है? ये जीत है जो भाजपा सरकार ने जो कूड़े के पहाड़ बना दिए थे उस पर झाड़ू चल गई है, ये उसकी जीत है। अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छे अस्पताल, जनता अब जान गई है कि अब जो राजनीति होनी है वो काम की राजनीति होनी है, ना कि धर्म और जाति की राजनीति। ये परिवर्तन है। तो जश्न उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में जो सरकार ने वादे किए हैं क्या वो उत्तर प्रदेश में भी पूरे कर पाएंगे? जी, ये जो आज सरकार जो एमसीडी में आम आदमी पार्टी की आई है ये उन्हीं मुद्दों को लेकर आई है जो एक आम आदमी के होते हैं, और दिल्ली सरकार ने ये करके दिखाया है, पंजाब सरकार ने ये करके दिखाया है, और तभी जनता ने भरोसा एमसीडी में भी जताया है। और ये उम्मीद यूपी की जनता भी इस निकाय चुनाव, जो आगामी निकाय चुनाव है, जनता के भरोसे पर खरा उतरेगी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी। जैसे कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की कल वोटिंग है, उसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा, क्या वो जीत कर पाएगी? जी बिल्कुल, जो भी जनता का निर्णय होगा, जो भी जनता ने अपना प्यार दिया है, वो कल जो गुजरात में जो इनके जो परिणाम आएंगे वो आम आदमी पार्टी, उनको जीत अगर होगी तो वो भी सराहनीय होगी, और जो भी जनता का जो निर्णय होगा वो आम आदमी पार्टी उसको सर्वोपरि रखेगी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके कार्यकर्ताओं में यूपी के अंदर जोश है, क्या वो चुनाव पूर्ण रूप से लड़ पाएंगे? जी, यूपी की जनता में और यूपी के जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, पूरा जोश है, क्योंकि परिवर्तन अब ये दिख गया है, पूरे देश में परिवर्तन होना है। तो हम क्या चाहें कि आप में जोश है कि तालियों के साथ पता लग जाएगा? बिल्कुल, पूरी तरह से हम जोश है, हम लड़ने के लिए निश्चित तैयार हैं, हम जंग लड़ेंगे और जंग जीतेंगे आम आदमी पार्टी से। तो देखा आपने, एक एमसीडी के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम पार्टी ने अपनी बहुमत से विजय हासिल की है, उसका जोश उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर अनूप शहर में देखने को मिल रहा है, जहां आतिशबाजी के साथ एमसीडी का पूर्ण रूप से स्वागत किया जा रहा है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप धन्यवाद देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को? जी धन्यवाद दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, जो आम आदमी पार्टी को इतना प्यार दे रही है और काम की राजनीति की शुरुआत हो गई है। इसमें जो देश की जनता है, दिल्ली की जनता है, और अभी आगामी चुनाव में यूपी की जनता भी आम आदमी पार्टी को पूरे इज्जत के साथ, पूरे दिल के साथ अपने काम की राजनीति को अपना रही है। इसके साथ सभी देशवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।